जाओ टिन 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 टिन। नहीं नहीं उठो जल्दी उठो जल्दी उठ जाओ। तूने मार खा लिया मेरे से। एक का हाथ काफी है। लड़कियों वाली होती जिनकी सारी बेटी होती क्या वो इंसान ही होते? क्या वो अपना हक बोल नहीं सकते? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन। खैर हम देखते श्रोस क्या कर रहा है। इधर देखे जरा लड़की एंड में बैठी है ना, वो हमारी फैमिली बैठी है। मेरी मम्मा, मेरी भाभी और अलमास और खिजर। क्या हमसे नाराज है वो? नहीं। अच्छा कितना ढूंढे पूरे 2 घंटे पार्क में? हाँ करती हूँ, कर दिया। मैं उन्हें पूछी जरा शर्म नहीं आई भाई निकलते हुए? नहीं अपनी बहन भाई थी। आपको हमने पूरे पार्क में ढूंढा था, कहाँ गए थे? अब जाओगे अकेले कहीं? बाज को क्योंकि 12 नहीं बजे आज, और आप चेक कर सकते मैं कहाँ सोई हूँ, छोटे से सोफे पे, और मेरी टांगे भी बाहर जा रही है सोफे से, क्योंकि ये मैं अपनी मर्जी से सोई हूँ। किसी ने नहीं मुझे कहा कि यहाँ सो जाओ। पता नहीं ऐसी रात को दिल कर रहा था मैंने सोफे पे सोना है, सोफे पे सोना है सोफे, तो फिर सारी रात मुझे सोफे ने तंग भी किया है। तो सुबह किस चीज़ का रोला पार रहा था वो? मम्मा कहती हैं कि उन्हें पांडे कहते हैं। अच्छा तो वो पैसे लेने आया था कि आपके घर शादी हुई है। और उनका शादी में महीना हो गया, तुम चेते आया है? कभी कौन आता है कभी कौन आता है, गलियों में आके पता लगे। पता नहीं क्या इशू है, उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। सर्दी लग रही है, पता नहीं क्या है। सर्दी तो है, सर्दी तो आ गई है, दिल कर रहा है सो जाऊं। तो भाई देखो मानो ना अभी भी उठी थी मैं, इस कमरे से उस कमरे में गया हूँ तो इस कमरे वापस आया हूँ तो सोई हुई। इसको उठाते हैं और से पूछते हैं आप पार्क में जाना मानो? पार्क जाना है भैया? आप तो कन्फर्म है हम पार्क जाएंगे? आप मेरी बिस्ती नहीं कर सकती। उठ जाओ। हेलो आप मुझे उठाते ना पानी डाल के, मैं भी उठाऊँ पानी डाल के। कब गर्मियाँ कब सर्दी? क्या हुआ मानो ना? खाना नहीं आपको? पानी फुल गर्म हो चुका है, पानी गर्म हो गया मानो। उठ जाओ यार सर्दी लग रही है, पानी किसने गर्म? 5 मिनट हो चुके हैं और मानो का पानी गर्म हो चुका है। मानो उठ जाओ टिन 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 टिन। नहीं नहीं उठो जल्दी उठो जल्दी उठ जाओ। तूने मार खा लिया मेरे से। एक का हाथ काफी है। एक संडे तो मिलता है आराम करने के लिए, और वो भी कहते हैं उठ जाओ उठ जाओ। क्या है क्या? देखो 12:45 हुए, इतना ज्यादा भी नहीं टाइम हुआ। मिलती हूँ आपको फ्रेश होके, फिर मिलती हूँ। मेरा पानी भी गर्म हो गया, नहा के फ्रेश होके आपको मिलते हैं, और भूख भी लग गई है। फ्रेश हो गया है, फ्रेश होने के बाद आपको पता है सर्दियों में तो सर्दी लगती लगती है। वैसे मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, मगर सर्दी है कुछ सर्दी भी लग रही है इस टाइम। तो अब हम फ्रेश हो गए आगे छत पे ज़रा सी धूप सेकने के लिए, क्योंकि धूप भी सर्दियों में लेना बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ वाले घर में हो रही है लड़ाई, पता नहीं क्या हुआ है। जब से ऊपर आई हूँ मुझे आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे में चुप नहीं हुए। और यार सबसे मुझे बुरी बात ये लगती है कि अब वो सामने वाले यही कह रहे हैं कि भाई तू तियां वाली है चौपड़ है, तू खाली तियां वाली है चौपड़ है। क्या मतलब? जो खाली लड़कियों वाली होती जिनकी सारी बेटी होती क्या वो इंसान नहीं होते? क्या वो अपना हक बोल नहीं सकते? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन। खैर हम देखते श्रोस क्या कर रहा है। इधर देखे जरा श्रोस, इसने कानों पे लगाई हैंड फ्री। इसको मैंने जितनी मर्जी आवाजें देनी है इसको आवाज़ नहीं आनी। बेइज्जती हो रही है, बार बार लग तो रहा नहीं है इससे। देखो मैं कह रही थी जब से मैं ऊपर से देख रही हूँ तुम्हारी एक भी नहीं लगी बॉल। अब लगी था वो देखो, अब लगी है जाके, तब तो नहीं ना लगी थी, अभी भी बहुत मुश्किलों से लगी है। हम पार्क जाने के लिए हो गए हैं रेडी। आई होप सो ये ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा होगा, ये मेरा गिफ्ट है और ये बहुत प्यारा लगा है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि रेड कलर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है मुझे। रेड येलो क्या है? कुछ नहीं, कुछ बोलना तो कह दे। नहीं नहीं हाँ, तो अब हमने करना है अभी नाश्ता। टाइम क्या हुआ श्रोत?
टाइम हो गया है यार, वॉच क्यों नहीं पहनता, विस्ट वॉच क्यों नहीं पहनता? टाइम क्या हुआ मम्मा, टाइम क्या हुआ है? 1:05 हो गए होंगे, 1:05 हो गए हैं और मैंने 1:20 और मैंने नाश्ता अभी भी नहीं किया। कितनी अच्छी बात है, तभी तो मैं, मेरी ये हालत है, तभी तो मैं कमजोर हूँ। फिर मुझे, मैं नाश्ता करती हूँ जाके, अभी गिरने लगी थी। श्रोत साहब बेटा तुम्हारे च हौसला हैगा कि नहीं हैगा? मुझे नहीं लगता है, पकड़ाओ इधर। बहुत शुक्रिया, बैल पे बैल दे जाता है पागलों की तरह। तेरे बाल कटाती हूँ मैं आज ही, तू मार ले आज के दिन। जितनी शौकियाँ वो टिकटॉक देखी जहाँ पे लड़का बार बार ऐसे ऐसे बालों को करता है, एंड में क्या होता है, क्या होता है? बस ठीक है, ये याद रख बात। सामने पड़ी और मुझे ये नजर नहीं आ रही। वाह वाह वाह, चले जी मेरा तो नाश्ता हो गया। वैसे ये नाश्ते का टाइम नहीं था, मगर अब करना पड़ेगा। ये बात है, रिज़्क को मतलब ज़ाया करना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है। लेकिन ये स्लाइस इस तरह के ना, कोई खस्ता पता नहीं, जैसे कि 4 महीने के पड़े हों, और पता नहीं कैसी हमक सी आ रही है। ये वापस करवाने भी नहीं गया, मैंने 2 स्लाइस खा ले। अगर मेरी तबीयत अपसेट हुई तो ये शरोज जाने और शरोज का काम है। आप आपको पता है, अगर खस्ता की दूसरी पड़ी पुसी बासी चीज़ खा लो तो क्या होता है, तबीयत अपसेट होती है ना। पार्किंग फीस 30 और बाइक की 20, सस्ती हो गई है। हमारी एंट्री हो चुकी है, तो अब फिजर और शहरोज की हैं बाइक खड़ी करने के लिए, और हम चलते हैं फिजर अंदर। हाँ देख, 20 लिखा, मुझे 10 मांग रहा था, कहता 10 रुपये दे दो। एंट्री हो चुकी है, और एंट्री देखिए कितने प्यारी हुई है हमारी, है यही हमारे ऊपर की जो तो क्या ही बात थी। छोटे थी ना, मैंने बड़ी तस्वीरें की चाहिए इन फूलों के साथ, नमाज से तस्वीरें की शौकीन है। केस लगाने लगे हैं सारे खड़े होके, है ना। आता है शरोज, इतने उदास चल रहे हो, अब तुम्हें पार्क लेके आए हैं, चलो कोई नजर नहीं आ रहा, आगे जाओ आ जाएगा, थोड़े से आगे जाओ, वहां तक जाओ, और इतने उदास क्यों चल रहे हो, जाओ भागो, अब पार्क आने का शौक था। हम यहाँ पे बैठने लगे हैं क्योंकि हमारे अभी तक कज़न तो आए नहीं है, तो मैं और शरोज कह रहे हैं इधर बैठ के पहले करते हैं उनका वेट, जैसे ही वो आएंगे फिर शरोज ने दौर लगा के उनको मिलना है ना। अच्छा मगर थोड़ा आराम से बैठ जाओ, फिर आगे छक्के छक्के भरने हैं, तो छक्के चौके मुझे भरने हैं भाई। तू शाइन शाफरी, शाइन शाफरी जी, जैसे तू कहता शाइन टाइम, तू भी कहता इस तरह नहीं। जो एंड में बैठी है ना, वो हमारी फैमिली बैठी है, मेरी मम्मा, मेरी भाभी और अलमास और खिजर। क्या हमसे नुराद है वो? नहीं। अच्छा जी, शुक्र है हमारे हाफ कजन तो आए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बहुत देर बाद आए हैं। अच्छा नहीं कर दोने, क्या होता ये है, ये पता है क्या है? फाल्स, फाल्से फाल्से, वाकई कच्चे फाल्से हैं अभी। अच्छा गर्मियों में आएंगे, पहले भी बताया ये फाल्से नहीं है, एक और वीडियो में तुमने पूछ लिया ये फाल्से क्या है। फिर ये इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दरख्तों का कुछ जो है, क्या बात है, इसके ऊपर चलने का मजा ही कुछ अलग है। ये क्या शेर याद आ गया, उसने सूखे पत्तों की डाली ने कर दिया खाली। मुझे बॉल से बहुत डर लगता है, वैसे मुझे खेलना अच्छा लगता है, मगर बॉल से मुझे बहुत डर लगता है। कहीं मुंह पे एक दफ़ा मेरे लगी थी, तो उसके बाद मैंने ना बहुत एहतियात की बॉल से। यहीं इधर पकड़ा, सुला मार देता बंदा। मैंने इससे पूछा कि आप पार्क आई हैं, आपको कुछ समझ आ रही है? आगे से बोल ही नहीं रही, कुछ समझ आ रही है पार्क आके क्या फील हुआ है? कुछ थोड़ा सा फील जो हुआ है वो बताओ। अच्छा फील हुआ है, हैं वो सामने देखो, बताओ अच्छा फील हुआ है कि नहीं? ये हाँ जी बताओ, वाह 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 वाह, कुछ तो बोलो। चलो इसको स्लाइड देते हैं, आओ ये वाली सही है। हाँ जी, ये
तेरी टिंड बजने लगी थी, बच गई है। तुम इनको वहां ढूंढ रहे हो और ये यहाँ बैठे हैं। बड़ी बात है इन लोगों की ना यार, क्या कर रहे हो यहाँ पे? What are you doing यार? हाँ तो यार क्या था ये? दोबारा करिए, एक दफा 2 रुपए का और करी। क्या किया था अभी? डांस करके दिखा। अभी तो पार्टी छोड़े ओए ओए ओए, चल ठीक है, कट्टा मेरे से तो ना पा। हाँ मुझसे ओया ओए तेरी बस्टर यार। वो हनी ओए छोड़ दो उसको, ओए आलिया नहीं नहीं आलिया रुक जा। वैसे एंजॉय वाला मोल है। और आप ही अंदर आके बैठो। हाँ तुझे तुझे चक्कर नहीं आते? नहीं, तू लोगों को जो चक्कर देता है इसलिए तुझे नहीं आते। आप लोगों को भी आ रहे होंगे मुझे देख के। कोई नहीं, बस काफी। ओए ओए मेनू ला दे, तेरी मेहरबानी मेनू ला दे। इस तो पहले मैं अल्लाह की कसम पूरा घूम गया। ये तो उल्टी वाला यार, कितना गंदा था ये। अल्लाह की कसम, दिल की धड़कन इतनी तेज और वाकई चक्कर आने वाले। हाँ ठंडे हो गए तेरे भी, तुझे कितने कहा था बैठ पागल। चले यहाँ से मेरी तरफ आ जाओ। ओ वाओ कितना अच्छा खेलता है राफे ने तो। ये ले, वेरी गुड। हाथ नहीं लगा। अब मैं उधर उधर भागू, मैं थक गई हूँ। मेरी तरफ करो ना, तुम्हें मेरी तरफ नहीं मारना था। वेरी, हानि की बारी आने लगी है, यानी कि दूसरे। कैसे लगाता है तू? ओए होए होए, तू शाइन शा फड़ी दी, शाइन शा। आउट हुआ नहीं है, एक्शन पहले सीख लिया। लो जी खिजर की आ गई है बारी, और मेरा भाई देखते हैं। एक भी नहीं लग रही, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि इसको सही तरह खेलना नहीं आता। तो रजाक ये शाइन शाह, क्या बोली बोली? शाइन शाह फरीदी, शाइन शाह फरीदी, उन्हें सही नाम लेना। अता तुम कौन हो? बाबर आजम, रिजवान, उमर गुल, क्या हो? कोहली, वो तो शायद फरीदी है, विराट कोहली। किसी ने नहीं मारी जितनी खिजर ने मारी है। इतनी चीटिंग चाचू ने मारी, इतनी किसी ने नहीं मारी है। चुनौत पानी में आंधी की थी तो पानी तो आंधी, इतनी चीटिंग। चलो जी मगरिब का टाइम हो गया और घर जाने की हो गई है तैयारी, तो फिर हम चलते हैं घर। क्यों शर्म नहीं आया तुझे? बदतमीज है तू, पूरे पार्क तुझे ढूंढा है। खराब पूरे पार्क तुझे ढूंढा है 2 घंटे हमने। पागल तुझे हमने कितना ढूंढा है पूरे 2 घंटे पार्क में। हाँ करती हूँ, कर दिया। मैं पूछी, तुझे जरा शर्म नहीं आई भाई निकलते हुए? नहीं अपनी बहन। हमारा छोटा सा राफे गुम हो गया था, जिसकी वजह से हमने 1 घंटा पार्क में दौड़ लगाई और फिर जाके गेट से मिला है। शुक्र अल्लाह का गेट, किसी ने गेट पे पकड़ा दिया था। फिर मुझे किसी ने बताया एक नीली शर्ट वाला बच्चा गेट पे बैठा है। फिर गए तो उधर सुगर के बैठा हुआ और हमारी जान निकाल दी, एंड कर दिया पागल पूरा। आज अब थी आपको हमने पूरे पार्क में ढूंढा था, कहाँ गए थे? अब जाओगे अकेले कहीं? बस घूमते घूमते अब रोना किस बात का है आंसू सा? चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, होता है होता है। आपने आपने अल्लाह से दुआ की थी? क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे मम्मा पापा मिल जाए। हैं? नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, खैर है खैर है। आइंदा आइंदा की बात ऐसे नहीं करना, मैं छोड़ के दूर नहीं भागना। ओके चलो जी। ये अभी भी घूमी थी तू मेरे पे गया है। क्या दुआ? अब हम बाहर जाने लगे हैं, इससे पहले फिर जाती दवा फिर फ्लावर को देख लें। फ्लावर को कहते हैं बाय बाय। हम आउट होने लगे, आउट होने लगे, आपको आउट करने लगे, आपको गेट आउट करने लगे, आउट। चलो भाई चलो, सबसे पहले भूख तो खत्म करें, खाना खाएं। और शोस की फेवरेट प्लेस, मुझे पता था तू कहेगा इसी तरह। ओ यार बड़ी भूख लग गई है। बस भाई फाइनली हम घर आ चुके हैं और ये शरोस कर रहा है बाइक अंदर, क्योंकि इसे ही आती है, मुझे नहीं आती करनी। आ जा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये
चीज मेरे अजीज। हम घर आ चुके हैं और इतनी सर्दी लग रही है और सर में भी बड़ी दर्द हो गई है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो आज हमारे साथ हुआ तो थकावट तो होनी थी। तो दरअसल बात ये है कि हमें चाहिए था कि हम ध्यान ज़्यादा रखते हैं क्योंकि हम खेलने लग गए, वो क्रिकेट में लग गए और इधर उधर, तो फिर वो भाई साहब खुद ही घूमता रहा और घूमते घूमते वो घूम गया। जब मैं तो हम पूरा पार्क घूम के मतलब 1.5 घंटा हम उसे ढूंढते रहे। हमें तो ये भी नहीं पता ना कि व्लॉग बनाना है नहीं बनाना, ख़त्म। 1.5 घंटा उसे ढूंढते रहे। तो 1.5 घंटे के बाद मुझे एक लड़के ने बताया, मैंने उसे पूछा कि ब्लू शर्ट वाला आपने बच्चा देखा है? उसने कहा एक ना गेट में बच्चा था, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, उसने शायद ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। मैं दौड़ लगाई गेट तक गई हूँ तो फिर मैंने कहा अंकल आपने बच्चा देखा? वो कहते नहीं। मैं कहा हाय कौन चला गया यार। तो जब मैं जाने लगी ना, एक कैबिन में उन्होंने राफे को बिठाया हुआ था तो वो उधर बैठा सैमा मुझे देख रहा है, बोला तू मुझे आवाज़ मार के हेलो मैं इधर हूँ, मगर नहीं उसने भी नहीं बड़ी आवाज़ मारी, वो भी बहुत सुस्त चुस्त, कहाँ सुस्त परेशान हो गया था और वो बहुत परेशान बैठा था। और जब मैं जाहिर है जब मिली खुशी हुई देख के, तो जब मैं उसे मिलने जा रही तो गार्ड ने मुझे कहा हेलो इधर ही रुक जाओ आप उसे मिल नहीं सकती। मैं कहा ये क्या नहीं, आप किसी बड़े को लेके इनकी मम्मा या पापा फिर आप इससे मिल सकते हो। बस टेंशन में शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मिल गया। इतने बड़े पार्क में ढूंढना नहीं, मैंने ना उससे पूछा मैं क्या राफी कहाँ चले गए थे तुम, तो कहता है कि आलियान मुझे अकेला छोड़ के गया था, मेरी गलती है। क्या तुम मेरी गलती नहीं, आलियान छोड़ के गया। अरे चले हाँ वैसे ही है। चले भाई इसी के साथ हमने ब्लॉग का कर दिया इख्तिताम। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अब थोड़ा सोने लगे। हाँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और तब तक के लिए।